गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे अवर टॉपिक इज़ प्रीफिक्सेस। पेज नंबर 4, इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम 2। सो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मैनी वर्ड्स विदाउट अपोजिट मीनिंग्स। आपने बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े हैं जिनके विपरीत अर्थ होते हैं, जैसे कि हैप्पी का सैड, हॉट कोल्ड, अप डाउन। ठीक है, ये आपने अपोजिट वर्ड्स पिछली क्लास में भी पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में भी, और अब भी आप पढ़ चुके हो। देयर इज़ एन अनदर वे टू मेक एन अपोजिट्स, लेकिन एक तरीका और भी होता है अपोजिट्स बनाने का। फॉर सम वर्ड्स वी कैन मेक अपोजिट बाय एडिंग लेटर्स टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। कुछ शब्दों में हम उनका अपोजिट बनाने के लिए, विपरीत अर्थ बनाने के लिए, उन शब्दों के शुरू में हम वर्ड को ऐड कर देते हैं। जिन शब्दों को हम ऐड करते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड और फिक्स्ड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। प्रीफिक्स ऐसा लेटर्स का ग्रुप है, ठीक है, जो कहाँ ऐड किया जाता है, किसी भी शब्द की शुरुआत में। ठीक है, वी कैन मेक अपोजिट ऑफ मैनी वर्ड्स बाई एडिंग प्रीफिक्सेस लाइक अन, इम, इल, इर, इन और डिस। दीज आर सम प्रीफिक्स जो आप, जिनको आप यूज़ करके किस भी वर्ड का अपोजिट वर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ, रियल का अनरियल तो आपने इसमें अन ऐड किया, पॉसिबल का इम्पॉसिबल तो आपने इसमें इम ऐड किया, प्लीज़ का डिसप्लीज है तो इसमें आपने डिस ऐड किया, बिलीव का डिसबिलीव है तो इसमें आपने डिस ऐड किया। ठीक है, तो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं जब किसी वर्ड के आगे लगकर वो उसका मीनिंग बदल देता है। ठीक है, और प्री का मतलब है पहले, ये पहले लगता है किसी शब्द की। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये लिस्ट दी है, इन्हें देखिए, एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, जैसे कृष्णा वॉज कम्फर्टेबल, कृष्णा बहुत ही कम्फर्टेबल था जब वो नदी के किनारे खेल रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स कैसे थे, वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड दिस इज देयर इन दिस सेंटेंस अन इज प्रीफिक्स विच मेक वर्ड्स कम्फर्टेबल अपोजिट ऑफ द कम्फर्टेबल। ठीक है, कम्फर्टेबल का अपोजिट बना दिया है वर्ड अन लग के कम्फर्टेबल का अपोजिट हो गया अनकम्फर्टेबल। ओके, आई डोंट बिलीव दिस, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, देर इज़ नो रीज़न, यहाँ कोई कारण नहीं है टू डिसबिलीव, भी इस चीज़ को डिसबिलीव करने के लिए आइदर। ठीक है, बिलीव और डिसबिलीव, इसमें क्या लगाया है प्रीफिक्स, डिस। ठीक है, विश्वास और अविश्वास। अब आपको मैं एक लिस्ट दिखा रही हूँ जो आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे है, अपोजिट जो बनाए गए हैं प्रीफिक्स अन के साथ, इन और एम के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, हैप्पी का अनहैप्पी है, राइप अनराइप, नोन अननोन, पैक अनपैक, डू अनडू, फ्रेंडली अनफ्रेंडली, ट्रू अनट्रू। ये जो वर्ड्स हैं इसमें अन जो है प्रीफिक्स है और हाईलाइट किया गया है रेड कलर से, तो जब ये इन्हीं वर्ड्स के आगे लगा तो इसने इनके मीनिंग चेंज कर दिए, अपोजिट में आ गए। ठीक है, आके आपका है कैपेबल का इनकैपेबल, कंप्लीट इनकम्प्लीट, करेक्ट इनकरेक्ट, एक्टिव इनएक्टिव, विजिबल इनविजिबल, पेशेंट इम्पेशेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, प्योर इम्प्योर, पॉसिबल इम्पॉसिबल। ठीक है, इनमें प्रीफिक्स है इन और इम, जिसने इनका मीनिंग चेंज किया है आगे लगकर। अब आपके नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 पे हैं प्रीफिक्स डिस। अगर आप डिस लगाते हैं, लाइक डिसलाइक, ओबीडियंट डिसओबीडियंट, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, बिलीव डिसबिलीव, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, एग्री डिसएग्री, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, अपीयर डिसअपीयर। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द प्रीफिक्सेस व्हिच इज मेंशन इन योर बुक, कोर्स बुक। ठीक है, आपके पास ये दिए गए हैं तो आपने इनको लर्न करना है। ठीक है, लेट्स ट्राई 3 एंड लेट्स ट्राई 4, ये आपको मैं PDF सेंड करूँगी। थैंक यू।